शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्य वर्गस्य विषयः स्त्रीलिंग एकवचनम् पाठ छ पंचम कक्षायाम् अहम् कृष्णानंद झा अस्मि। स्त्रीलिंग एकवचनम्। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराता है स्त्रीलिंग कहलाता है। इतना दिन हम पुलिंग के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे हैं। जो स्त्री जाति का बोध कराता है स्त्रीलिंग कहलाता है। एक वचन, जो एक संख्या का बोध कराता है एक वचन कहलाता है। सुधा माता सुनैना सुमेधा करिश्मा सौम्या सुमिता सुषमा महिला, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिस शब्द के अंत में आ रहेगा वह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। विशेषः एते शब्दा स्त्रीलिंग स्त्रीलिंगे एक वचने सन्ति। ये जितने भी शब्द हैं ये सब स्त्रीलिंग के एक वचन शब्द हैं। क्या है? सब स्त्रीलिंग के कौन वचन शब्द हैं? एक वचन शब्द हैं। एतेषां शब्दानां अन्ते आसन्ति, ये सभी शब्द के अंत में आ हैं। एषां शब्दानां अन्ते आभवन्ति ते स्त्रीलिंग शब्दा भवन्ति, जिस शब्द के अंत में आ रहेगा वह स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। एते आकारांत शब्दा भवन्ति, ये आकारांत शब्द कहलाते हैं। ध्यानानि तथ्यानि, ध्यान से पढ़ने वाली तथ्य। एषां अन्ते आभवति ते आकारांत शब्दा भवन्ति, जिस शब्द के अंत में आ रहता है वह आकारांत शब्द कहलाता है। जथा लता राम सुधा आकारांत शब्दा स्त्रीलिंग शब्दा भवन्ति, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब चलिए अभ्यास में एतेषां शब्दानां स्त्रीलिंग रूपाणि चित्वा लिखत। सुमित है तो सुमिता सुमिता क्या हो गया? सुमिता हो गया। तो मुदित के जगह पर क्या हो जाएगा? मुदिता हो जाएगा। अमित के जगह पर अमिता हो जाएगा। अंकित के जगह पर अंकिता हो जाएगा, अंकिता। अग्रिम के जगह पर अग्रिमा, अग्रिमा। नमित के जगह पर नमिता। इस तरह आगे आप बनाइएगा स्वयं। अब चलिए उदाहरण अनुसारणम स्त्रीलिंगे परिवर्तनम कुरु। पवित्र है तो पवित्रा, नम्र है तो क्या हो जाएगा? नम्रा। कठोर है तो कठोरा, चंचल है तो चंचला, चंचला। आगे आप बनाइएगा, सुंदर है तो सुंदरा। स्त्रीलिंग एक वचन है सहपूरिया। अब देखिए अमितमी, यहाँ पर क्या करना है? अमिता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिता। यहाँ पर अमिता, मिता, मिता, अमिता। इस तरह रूप बना। पेज पलटिए। पाठ चार। नर है स्त्रीलिंग में, नर स्त्रीलिंग है नहीं तो न लिखा हुआ। महिला स्त्रीलिंग है तो आम लिखेंगे, हाँ स्त्रीलिंग है। वृक्ष पुलिंग है, हाँ आम लिखेंगे। लता स्त्रीलिंग है, आम, हाँ सही बात है। छात्रा क्या है? स्त्रीलिंग है नहीं, लता छात्र स्त्रीलिंग नहीं है तो न। बाला क्या है? पुलिंग है, न। मनुष्य पुलिंग है, आम। अम्बा क्या है? पुलिंग है नहीं, न। बालका क्या है? स्त्रीलिंग तो नहीं है तो न। चालका क्या है? पुलिंग है, आम। भिन्न शब्दानां चित्वा लिखत। नरः मनुष्यः बालः अम्बा। नर मनुष्य बाला है और अम्बा, इसमें क्या भिन्न शब्द क्या है? भिन्न शब्द क्या हो गया इसमें? इसमें नर हो गया, नर।
राधा लता वृक्ष राम, इसमें वृक्ष है, उस तरह आप स्वयं इसको बनाएंगे। ये क्या है, आकारांत शब्दानाम निर्माणम कुरु, आकारांत शब्द का निर्माण करिए, इसमें से खोज के आकारांत शब्द का निर्माण करना है। परिवारस्य भावचित्रम फोटोग्राफ नित्वा परिवारे एसाम नामनाम अंते आ अस्ति, अपने परिवार का नाम सब अपने कॉपी पर लिखिए जो स्त्रीलिंग एक वचन में है। महिला त्यागस्य प्रतिमा आम, सत्य बात है, महिला त्याग की प्रतिमा, महिला स्नेहशीला सत्यम, महिला स्वमुखम न मन्यते न असत्यम, महिला सहनशील आम सत्यम, महिला कर्मशील न असत्यम, महिला कर्मशील होती है। यदि तरही तरही वही ऐसा मानते किदृशा शब्द जानती यदि यूयम बदता कस, इसको भरना है अपने घर के नाम से। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम अगले पाठ लेके आएंगे। धन्यवाद।